क्या नाम है? नईम। नईम, शादी हो चुकी? हाँ। कितनी करा ली? एक ही कराई फिलहाल तो। मैं पीछे देख कर आ रही हूँ, दो करा के 36 की टीम इकट्ठी करके बैठे हैं। कौन? पीछे। नहीं नहीं, मेरी तो एक ही हुई है, वो भी बिगड़ गई अभी तक। क्यों? पता नहीं क्यों। वो क्या कह रही है? वो जो कह रही है खर्चे नहीं पूरे हो रहे आपसे। तो फिर उनसे कहो ना, अगर सरवाइव करना तो साथ रह के कर लो। नहीं कर रही ना। तो कहना है ना, अगर साथ निभा सकते हो तो निभा लो। नहीं, ये झूठ है, साथ निभाने वाला। क्यों? ये जो लड़कियां कहती ना, ये साथ निभाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, सब झूठ है। उन्होंने किया था वादा ऐसा? हाँ बिल्कुल, बहुत वादे किए थे। लव मैरिज अरेंजमेंट? लव मैरिज। तभी आप सताए में? क्या? तभी आप सताए में? हाँ। क्यों? कजन और विदाउट? कजन थी। अगर वो कजन थी तो फिर उनको तो आपका पता होना चाहिए। बस नहीं हुआ इस तरह। कितने साल हो गए शादी? तकरीबन 3 साल। बच्चे हैं? नहीं। 3 साल हैं, बच्चे भी नहीं हैं, तभी वो सरवाइव नहीं कर पाए? नहीं। तो आप उनको सेटिस्फाइड करें ना। नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकता? छोड़ दिया। अब छोड़ दिया? क्यों? बस मतलब तलाक हो गई है कि वो अपने घर चली गए? अपने घर है, डिवोर्स वगैरह कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। फिर तो आप जाके ला सकते हो। नहीं, दिल नहीं मानता। क्यों? ये दुनिया धोखा है। लव मैरिज की है, पसंद खुद की है, सारा कुछ खुद की है, तो जाए। वो सब कुछ छोड़ दिया अब। क्यों छोड़ दिया? वो सब धोखा है। आप ला सकते हो ना वापस अगर आप चाहें? तो सकता हूँ पर लानी नहीं अभी, क्योंकि आपके निकाह में। हाँ वो जारी सी बात है मेरी। तो फिर रखा क्यों हुआ है मुझे बताए? दिल नहीं करता तलाक देने। अच्छा, दिल भी नहीं करता तलाक देने को, रखना भी नहीं है, वजह? इतना इत्तेजाद क्यों है आपके पास? असल में ना जो डिवोर्स वगैरह की बात है, ये मैं चाहता नहीं कि, दिल नहीं करता उसको तलाक दूँ। दिल के हाथों मजबूत? एक दिल करता है ले आऊँ, फिर दूसरा दिल करता है नहीं, इसी वजह से थोड़ा। अच्छा, दूसरे दिल का क्यों सुनते हैं आप? क्यों उसकी मान रहे हैं कि नहीं लाना? फिर कभी कभी करता है ना कि ले आऊँ। तो क्यों नहीं लाते फिर? असल में जो उनकी बातें हैं वो दूसरा सुनी नहीं जाती। देखें, अगर आपने उनके साथ रहना है ना तो आप सुन लें। नहीं मैं सुन। आप उनको सुना दिया करें बाद में। सुनने ही नहीं। अब क्यों नहीं सुन? बस वैसे थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है लाइफ। थोड़ा भी नहीं करना बस। अच्छा, तलाक भी नहीं देनी, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना, रखना भी नहीं, मतलब दिल के हाथों बंदा बहुत ही ऐसे हुआ हुआ है। ये तो मेरे दिल को पता है ना मुझे। किस तरह? मुझे तो लग रहा है अभी आप रो भी देंगे। नहीं रोऊंगा नहीं, इतना नहीं वो। मैं सीरियसली जनरली एडवाइस दूंगी, ले आए। नहीं, बहनों वाली एडवाइस है, ले आए, सरवाइव हो जाएगा अगर आप उसको समझा के ला सकते हैं। वो आप उन दे मैसेज उनको जो तो सुनगी होगी। नाम क्या है? अंबर। अंबर कहाँ से? ये सब्जाजा। मेरे घर के पास से इकबाल टाउन। चले फिर मिलते हैं उनसे। जा नहीं, मैं उधर से मतलब गुजरना आना जाना मेरा। किधर है आपका घर? मेरा तो मतलब मेरा उधर ऑफिस बाल्टन मून, दूसरा मून मार्केट एल ब्लॉक की है वो, अंबर नाम है। फिर तो एग्रेशन और वो बनता है सब्जा जारियों में तो है। तकरीबन 7 साल का दूसरा रिलेशन है। 7 साल और 3 साल 10 साल का? 10 साल। 10 साल बाद अभी हम थोड़े दिन हुए हैं तकरीबन अलग हुए, इतने ज़्यादा दिन भी नहीं हुए। कितने दिन? तकरीबन यही कि 1-1.5 माह। सही कहूँगी वापस ले? वो तो मैसेज देना, वो खुद ही आ जाएंगे। मैं तो बस यही कहूँगी, अगर अंबर मुझे सुन रही है तो मेरे भाई का साथ दे दो आके। क्यों? क्योंकि वो आपके बगैर रह भी नहीं सकता और आपको छोड़ भी नहीं सकता। तो मैं आपको बहनों वाला मशवरा देती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड योर हस्बैंड आप आ जाएं वापस। सर्वाइव आपने भी करना है, इन्होंने भी करना है, वो भी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे नज़र आ रहे हैं मेहनत करते हुए, सर्वाइव करते हुए। उनको पता है कि वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं और आपको पता है आप कैसे। जब तक आप दोनों एक साथ नहीं चलेंगे आप लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं यही कहूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर अपना इंटरव्यू लेने आऊँ तो मैं ये सुनूँ कि वो वापस आ चुकी हैं। इंशाल्लाह। 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 थैंक यू सो मच।